नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहे, आप सबको तो मुंह जुबान पे याद रह गया होगा मेरी चैनल का नाम। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मेरी फैमिली बहुत बढ़ रही है। बहुत 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 आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ मेरी फैमिली में आने के लिए। और मेरी फैमिली का एक ही एम है कि देश का हर बच्चा जो चाहे कलाकार बनना चाहे उसे मैं गाइडेंस दूँ। दोस्तों मेरी मेरी चैनल रंगीन राह ए रोड टू सक्सेस ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों सच में ये रोड टू स्टारडम है। मैं जिस तरीके से बताते जाऊंगा, आप चाहे तो गाइडेंस भी जो भी चाहिए मैं आपको देते रहूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा और मैं उसमें गाइडेंस दूंगा। तो दोस्तों ये चैनल का एक ही मकसद है, हर बच्चा अपनी इच्छा अपनी आकांक्षा कलाकार बनने की आकांक्षा कलाकार बनने की इच्छा पूरी करे। दोस्तों मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ हिम्मत देता हूं आप लोगों को कि आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ोगे मुझे खुशी होगी कि मेरी चैनल से मेरे बोलने से किसी को मोटिवेशनल मिल रहा है, किसी को मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बढ़ता है कलाकार बनता है। दोस्तों चलिए, वो जमाने गुजर गए कि हीरो का लड़का ही हीरो, म्यूजिक डायरेक्टर का लड़का ही सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर का लड़का ही म्यूजिक डायरेक्टर बनता था। वो अब नहीं है। आजकल रियलिटी चाहिए और ये नहीं कि गोरे चिट्टे ही चाहिए। ठीक है बॉडी तो होनी चाहिए, बॉडी गेस्चर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कोई बन नहीं सकता, सब कोई बन सकता है। और रियलिटी के इतनी नजदीक अपनी फिल्में आजकल बनने लगी है। फिल्में क्या, सीरियल है क्या, वेब सीरीज क्या, इतनी बनने लगी है रियलिटी की नजदीक, यानी जिसमें रियलिटी ज्यादा हो वैसी इतनी बनने लगी है कि उसमें रियल कैरेक्टर ही चाहिए। तो दोस्तों हर कोई सपने देख सकता है, हर कोई सपने पूरे कर सकता है। तो दोस्तों मेरी चैनल का यही एम है। तो दोस्तों आप लोग साथ दीजिए, मैं आपको गाइड करते रहूंगा। मेरी चैनल रंगीन रहे आप सभी का स्वागत करता है। जो भी नए आए हैं या तो जिसने भी अभी अभी ये वीडियो देखना शुरू किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का जो लाल बटन है वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको मेरे चैनल में जो भी वीडियो आएंगे उसकी इंटीमेशन मिलती जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें। आज का वीडियो ये सब्जेक्ट है, देख लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, क्या टाइटल है देख लिया ना, ऑडिशंस कैसे देते हैं। ऑडिशंस देने के लिए एक टेक्निक है, अगर उस टेक्निक से जाओगे तो आप जरूर पास हो जाओगे, पास भी हो जाओगे, काम भी करोगे, रुपहरे पर्दे पे भी आओगे, छोटे स्क्रीन पे भी आओगे, वेब सीरीज भी करोगे। तो दोस्तों मेरे कुछ आइडियाज है या तो जो मेरे कुछ गाइडेंस है वो आप फॉलो करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों सबसे पहले कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, आपको ऑडिशन का कॉल आता है तो ऑडिशन में आप अकेले तो नहीं हो, आपके साथ बहुत है, बहुत से लोग हैं, बाहर से भी आजकल बहुत आए हैं तो बहुत से लोग होंगे। यानी परीक्षा बड़ी है, थोड़ी कठिन है, लेकिन उसमें से अपने आप को तराश के बाहर निकालना है, परीक्षा में पास होके आपको बाहर आना है। तो दोस्तों ऑडिशन कैसे देते हैं मैं बताता हूँ। पहले तो आप किसी ऑडिशन के लिए जाओगे तो वहां पे आपको जैसे ही आप जाओगे ऑडिशन रूम में तो वहां पे आपको पूछेंगे कि अपना ऑडिशन अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये इसलिए होता है इंट्रोडक्शन से वो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कैमरा के सामने कैसे बोल सकते हो, कितने कॉन्फिडेंशियली अपने बारे में बता सकते हो, इसके लिए वो इंट्रोडक्शन देते। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, हाइट बताइए, क्या क्या काम किया है वो बताइए, कहाँ रहते हैं वो बताइए, कौन सी भाषाएं आपको आती है वो बताइए। और उसमें आपका प्रोफाइल तो दिखाना जरूरी है, लेफ्ट प्रोफाइल, स्ट्रेट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, वो भी आपको दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गई अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात। उसके बाद जिस दिन आपको ऑडिशंस के लिए देंगे बुलाएंगे तो वो लोग देखेंगे कि ठीक है ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर, ये जो जो भी इंसान जो भी आदमी है
जो भी कैंडिडेट है वो इस कैरेक्टर के लायक है या नहीं है, या उम्र उम्र के हिसाब से ये सही है, तो वह हिसाब से वो लोग कैरेक्टर देंगे आपको। तो जो भी कैरेक्टर है उस लाइन को पढ़िए, एक बार ऐसे जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो जितना आपको भाग दिया है उस भाग में क्या असर होता है, क्या है, किस चीज की है, उसमें क्या क्या एक्सप्रेशन है। अगर कुछ डाउट हो तो ऑडिशन लेने वाले से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इसमें ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, उसको क्या क्या एक्सप्रेशन चाहिए। आगे का भी आपको कहानी का पूछना, वो भी पूछ लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको लिंक बैठेगा। एक बार तो सरल पे पढ़ लीजिए, दूसरी बार जरा तेज धीरे धीरे पढ़िए, उसके बाद हर एक डायलॉग का मीनिंग समझिए, हर एक डायलॉग का मतलब समझिए, हर एक डायलॉग के शब्द कहाँ कहाँ पे रुके हैं, कहाँ कहाँ पे पॉज देना, वो टिक कर लीजिए और याद कीजिए, और 2 बार याद कीजिए, 3 बार याद कीजिए, और उसके बाद अगर समझो कोई है तो उसके सामने रिहर्सल्स करके दिखाइए। दोस्तों शब्द और नरेशन वो जो है वो आपके माइंड में डालिए, तो समझिए कि उस टाइम पे अगर ये कैरेक्टर आप करते होगे तो आपकी मन की स्थिति क्या होगी, तो वही आपको कैमरा के सामने लाना है। डायलॉग्स में कहाँ कहाँ पॉज देने हैं, कहाँ कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ लो बोलना है, और कहाँ लाउड होना है, कहाँ थोड़ा नीचे से अपना एक्सप्रेशन लिखा। तो दोस्तों ये जरूर याद रखिए, उससे क्या होगा कि कैरेक्टर को पुश मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों अपने कैरेक्टर में छा जाइए, सामने कौन कैरेक्टर है वो भी देख लीजिए, वो हिसाब से कैरेक्टर काम कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए। और सबसे पहली बात क्या है, पहली बात ये है, डरिए मत, डर निकाल लीजिए। कैमरा तो अपना दोस्त है, क्योंकि इतने बार आपने ऑडिशन दिए हैं तो आप एकदम परफेक्ट हो गए होंगे, कैमरा से डरने की क्या बात है, कैमरा के पीछे है वो, और गलती भी होगी तो वो बोलेंगे आपको, उसमें कोई बात नहीं। डायलॉग अगर समझे भूल गए तो समझो आपको लगे कि मैं डायलॉग भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे जाइए, लेकिन फ्लो वो ही रहना चाहिए, कैरेक्टर कैरेक्टर के हिसाब से, ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाना। अपने डायलॉग भी बोल सकते हो, अपने वर्ड्स भी बोल सकते हो, कोई वर्ड्स में कभी कभी कोई अटक जाता है तो वो छोड़ दीजिए। उनको क्या देखना है कि आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन, जिस टाइप का ये कैरेक्टर है एक्सप्रेशन है, आपकी आंखों में वो बात है, आप आंखों से बात कर सकते हैं। आप सोचोगे, आप कहोगे आंखों से बात क्या करें, होती है बात, बहुत बार होती है, जब डायलॉग नहीं होता है ना उस टाइम होती है। मैं अगर आंखों से अभी कह दूं आपको कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कैसे कहूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो करेंगे, लेकिन क्या है बहुत बार आंखें बहुत कुछ बोल जाती है। तो आंखों का और डायलॉग का अगर समन्वय हो जाए, यानी दोनों का मिलाप हो जाए, फिर देखिए सर क्या बात है, क्या डायलॉग बोलोगे, और वो कैरेक्टर में आप इतने घुस जाओगे, जिसे मेथड एक्टिंग भी कहा जाता है, उसके उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा, मेथड एक्टिंग हो जाएगी। तो रियल एक्टिंग ऐसी आप करोगे तो डायलॉग वायलॉग सब हो जाएगा, बाजू में आपने जो एक्सप्रेशन दिया है वही डायरेक्टर ने देखा है और वही उनको चाहिए। वो भी जानते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग डायलॉग भूल जाते हैं, सिर्फ मेन क्या है, फ्लो में वही रहना चाहिए, एक्टिंग वही करनी चाहिए, एक्टिंग में वही आना चाहिए, घुस जाइए उस कैरेक्टर में, डायलॉग तो बोल सकते हो। थैंक यू दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू माय फ्रेंड्स।